तीन तलाक बिल के खिलाफ नागपुर में निकाला गया मुस्लिम महिलाओं का महामोर्चा। भले ही भारी हंगामे के चलते ट्रिपल तलाक का बिल संसद में अटका पड़ा है, लेकिन उस बिल के खिलाफ मंगलवार को नागपुर के संविधान चौक पर मुस्लिम महिलाओं का भारी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां महिलाओं ने हाथ में पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले पोस्टर हवा में लहराए थे। नागपुर वैसे तो आरएसएस का गढ़ समझा जाता है, दिल्ली की राजनीति के पन्ने भी यहीं से हिलाए जाते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका चुनावी क्षेत्र भी नागपुर ही है। इसी के चलते यहां इतने बड़े पैमाने में ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ महामोर्चा निकाला गया। ताज्जुब की बात यह रही कि इस मोर्चा का नेतृत्व खुद महिलाएं कर रही थी। इस मोर्चा में भारी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई थी। बीजेपी सरकार ट्रिपल तलाक बिल के जरिए राजकीय पुलाव पका रही है, जिसके जरिए जमीनी जरूरतों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हुए बीजेपी ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के लिए शाप बता दिया। लेकिन नागपुर में निकाले गए ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ का मोर्चा बीजेपी के पाँव के नीचे से जमीन जरूर खिसका देगी। देश में रोजगार के अवसर नहीं, लाखों रुपए खर्च कर आज युवा बेरोजगार है। सरकारी कार्यालयों में लाखों जगह खाली पड़ी है, जिन्हें भरने में सरकार को कोई रुचि नहीं है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए लिए गए ट्रिपल तलाक बिल को अब महिलाएं खुद विरोध कर रही है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। नागपुर से प्रणीता आवाड़े की रिपोर्ट।